Hello and welcome dear students. So here I have come up with the sample question paper of maths class 10. आज हम लोग करेंगे quadratic equation class 10 maths chapter 4 का जो sample paper सेवा ने अपने website पर upload किया है उसी के questions. तो देखते हैं कि क्या क्या questions पूछे गए हैं. ठीक है, chapter 4 section है, MCQ type का question है. पहला question है, a quadratic equation whose roots are 3 minus 2 and 3 plus 2. यहाँ पर कौन सा quadratic equation है जिसका roots 3 minus 2 और 3 plus 2 होगा. देखिए यहाँ पर हम लोग concept use करेंगे quadratic polynomial का. Quadratic polynomial, quadratic equation, quadratic polynomial, those are quite similar. Polynomial, ठीक है. Standard form क्या था? X square minus sum of the roots. X square minus sum of the roots into x plus product of the roots. Equal to zero. यही था आपका standard form. तो ध्यान से देखिए, हमें दो चीज चेक करनी है, sum of the roots and product of the roots. Sum of the roots करके देख लेते हैं. 3 minus root 2 एक है और 3 plus root 2. दोनों को अगर plus करेंगे, 3 minus root 2 प्लस 3 प्लस रूट 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 और 3 हो गया 6. ठीक है, सो माइनस 6x जिसमें है वो अपना आंसर है. सो दैट्स इट, एक ही से अपना सॉल्व हो गया. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन चेक आउट दिस आल्सो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 माइनस रूट 2 और 3 प्लस रूट 2. यहां पर हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो 3 का स्क्वेयर करेंगे 9 और माइनस रूट 2 का स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा विच इज प्लस 7. क्लियर, सो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स प्लस करके देखते हैं. तो 2 प्लस रूट 3 ये डायरेक्टली एक ही, सिर्फ एक ही स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है. तो रूट 3 और माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, माइनस 4x जिसमें है वही अपना आंसर. क्लियर, जस्ट हमने क्या किया, इसको प्लस करके हमने चेक कर लिया. गॉट इट. नेक्स्ट देखिए, द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये गिवन है, आर ये एक इक्वेशन गिवन है, इसका जो दो रूट्स होगा वो क्या होगा. डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट निकालने से हम लोग नेचर ऑफ द रूट के बारे में पता चल जाता है. बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर विच इज माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर 4ac, 4 इंटू ए हो गया आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 3 एंड सी हो गया 2. सो हियर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस टर्म स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है. तो 2 का स्क्वायर किया 4 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 6 24, माइनस 4 3 12 इंटू 2 24 इक्वल टू 0. क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. इसका मतलब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द k का वैल्यू निकालिए फ्रॉम दिस इक्वेशन आर रियल, डायरेक्टली बोल के दिया, फॉर विच k का क्या वैल्यू होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल होगा. तो हम लोग निकाल के देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू. बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर, यहां से निकाल सकते हैं. बी स्क्वायर एक्स का कॉफिशियंट विच इज 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इज आपका एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट 1 एंड सी इज के, कितना आया 16 माइनस 4k. अभी अगर हम k का वैल्यू निकालते हैं तो 0 डाल देते हैं, तो 4k इक्वल टू 16 और k का वैल्यू आ गया 4. तो
अगर रियल एंड इक्वल रूट्स होगा तब के का वैल्यू 4 है, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा तब के का वैल्यू लेस देन 4 होगा. सो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन लेस देन और इक्वल टू 4, तभी जाके इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा. दैट कैन बी रियल एंड इक्वल और रियल एंड डिस्टिंक्ट. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 29. दिस इज ए, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस 5 है और उनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/2 है, 10 है. अभी वो नंबर्स निकालिए. हमने पकड़ा कि एक नंबर तो x है, दूसरा दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, x प्लस 5, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 5, बड़ा नंबर ये है. क्वेश्चन के हिसाब से बोला कि उनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है, रेसिप्रोकल का डिफरेंस है 1/10. सो जब भी हम रेसिप्रोकेट करेंगे, डू रिमेंबर लेसर द डिनोमिनेटर ग्रेटर इज इट्स वैल्यू. तो 1/x जो होगा वो बड़ा नंबर होगा, देन 1/x प्लस 5. लेसर द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर छोटा है then greater is its value, and greater the denominator lesser is its value. Okay, minus equal to 1/10. So यहां पर हम क्या कर सकते हैं देख लेते हैं. आप LCM ले लो, यहां पर क्या बचा आपका, x cancel out हो गया, x plus 5 और minus x. यहां पर बचा है आपका 1/10. नाउ नीचे x square plus 5x, ऊपर plus x minus x cancel out, 5 बचा हुआ है, 10. अभी देख लेते हैं, x square plus 5x, 5 tens are 50, plus 50 इधर आया तो minus 50, equals to 0. तो x square, 5 tens are 50, plus 10x minus 5x minus 50, equals to 0. x कॉमन ले लिया, x प्लस 10, माइनस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. तो एक आया x प्लस 10, एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 5. तो व्हाट आर द वैल्यूज, वैल्यू एक हो गया x प्लस 10 इक्वल टू 0, x का वैल्यू माइनस 10, दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 5. तो जो नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, हम इसे नॉट पॉसिबल करके रख देते हैं. ठीक है, x का वैल्यू हमें मिल गया 5. तो एक नंबर अगर मेरा 5 है, दूसरा नंबर मुझे मिला 10, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, मिल गया आपका 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग को तो ये आता ही होगा, अगर नहीं आता तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन पहले देखिए फिर यहां पर आइए. ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. के का किस वैल्यू के लिए इक्वल रूट्स होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, यही तो होगा ना, के का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0. क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0. नाउ बी स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 इंटू ए इज 2, coefficient of x square, and c is 8. Now, k square minus 4 2 is 8, 8 8 is 64, equal to 0. K square बराबर 64, और k का वैल्यू आ गया root of 64, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, plus minus 8. ठीक है, So, k का किस वैल्यू के लिए इक्वल रूट्स होगा, वो होगा 8, 8 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 8. ठीक है, प्लस 8 भी हो सकता है और माइनस 8 भी हो सकता है, और फिर कहा गया कि रूट्स भी निकालो, तो रूट्स आप लोग खुद निकाल सकते हो. दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0. ठीक है, दूसरा होगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0. ठीक है,
अभी आप यहां से क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी सेवा का क्वेश्चन पैटर्न है या फिर जो सैंपल पेपर उसमें अपलोड किया गया है, ये क्वेश्चन है, ए टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर। ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आपको टू वेरिएबल्स में करना पड़ेगा, बिकॉज द इंफॉर्मेशन आर वेरी लेस, दैट्स वाई सिंगल वेरिएबल में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप दो वेरिएबल यूज करके कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया हुआ है। ओके, अभी हम लोग कर सकते हैं। बोला एक दो डिजिट नंबर है जो फोर टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स, जो अपने सम का चार गुना है, और प्रोडक्ट डिजिट्स जो है उनका प्रोडक्ट का दो गुना है। ओके, वही बोला। तो हम लोग ये पकड़ते हैं कि टेंस डिजिट जो है उसे पकड़ लिया x, और जो वंस डिजिट है उसे पकड़ लिया y। तो नंबर क्या बन गया आपका, 10x प्लस y। क्लियर? अभी क्या बोला कि जो नंबर है इट इज फोर टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, x प्लस y, इसका चार गुना है वो नंबर 10x प्लस वाई। यहां से एक इक्वेशन बन रहा है आपका 4x प्लस 4y माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। यहां से बन गया आपका माइनस 6x प्लस 3y इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसे हम लोग इक्वेशन वन डाल सकते हैं। दूसरा क्या बोला कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। अगेन वो टी डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 10x प्लस वाई, वो अपने प्रोडक्ट का दो गुना, तो 2xy हो गया। क्या करना है अभी, तो व्हाट वी कैन डू, 2xy। सो वी डू नॉट नो, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। Try substitution method. Clear? Okay. Next question. The length of the rectangle exceeds the breadth by 8 cm and the area 240 cm square dimension nikalo. Length jo hai, wo breadth se 8 cm zyada hai. हो गया, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। सो ये बी है, लेट ब्रेथ बी एक्स, तो देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर ज्यादा है लेंथ, एक्स प्लस 8 हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर। विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहां से हम बना सकते हैं x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल्स टू जीरो बन गया। आप मिडिल टर्म करो या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस। ठीक है, सो 240 का फैक्टर्स लेके कर सकते हैं हम लोग। 240 का अगर फैक्टर्स लेंगे, 2 से किया 120, 2 से किया 60,
ठीक है, टू से कर दिया 30, दिस इज 15 और 3 5 सा हमको चाहिए कितना मिडिल टर्म में 8 चाहिए, ओके 8 का डिफरेंस चाहिए, तो 5 3 सा 15, 15 3 सा 15 2 सा 30 होता है और ये 8 है, 8 का डिफरेंस नहीं हो रहा है, सो 8 का डिफरेंस 3 2 सा 6, 6 2 सा 12, 2 2 सा 4, 5 सा 20, हाँ 20 और 12, 20 माइनस 12 8 हो जाता है, ओके तो कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिया x प्लस 20, ठीक है, और माइनस 12 कॉमन ले लिया x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। नाउ एक हो गया आपका x प्लस 20, दूसरा है x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो एक आता है x प्लस 20 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आया माइनस 20 जिसे हम लोग नॉट पॉसिबल बोलेंगे, x माइनस कोई भी डायमेंशन माइनस में नहीं होगी, x माइनस 12 हो गया 0, x इक्वल टू 12, ठीक है, सो हमें ब्रेथ का डायमेंशन मिल गया 12 सेंटीमीटर और जो आपका लेंथ का डायमेंशन है 12 प्लस 8 विच इज 20 सेंटीमीटर, क्लियर है, सो दैट्स इट स्टूडेंट, होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ ट्राई करने का, ठीक है, सो दैट्स इट, हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।